नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के गांव जड़ोदा पांडा स्थित बाबा नारायण दास आश्रम जूड़ वाले बाबा पर हर साल की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां आकर जूड़ वाले बाबा की समाधि पर प्रसाद चढ़ाया और मनोकामनाएं की। इस दौरान गांव जड़ोदा पांडा के ग्रामीणों के द्वारा स्थिर भाव से व्यवस्था संभाली गई। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहां सच्चे मन से मनोकामनाएं मांगता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, जिसको लेकर यहां राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों से भारी संख्या में श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। मंदिर के महंत और अध्यक्ष ने इस मंदिर के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। के गांव जड़ोदा पांडा में जूड़ वाले बाबा के मंदिर पर हर साल की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे और पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम इस वक्त जड़ोदा पांडा के इस जूड़ वाले आश्रम पर मौजूद हैं, जहां पर हम यहां के महंत से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह यहां की मान्यता है और कहां से ये पूरी परंपरा चली। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। जानना चाहेंगे जिस तरह से जूड़ वाले बाबा का नाम पूरे सहारनपुर सहित अन्य क्षेत्रों में है, कहाँ से ये परंपरा चली थी और जूड़ वाले बाबा कौन है? बाबा नारायण दास जी ये तीन भाई थे, ये त्यागी जो सहसरी रहने का त्यागी परिवार से है और तीन भाई थे, सबसे छोटे भाई थे ये। जो इनकी जन्म स्थली है पुश्तैनी वो है पुंडरी, अब हरियाणा में पड़ती है। किसी जमाने में वो राजस्थान में थी, जब तक पंजाब से हरियाणा नहीं निकला था, ठीक है, हरियाणा राज्य निकला तो उसमें सीमा का क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जगह जगह एक दूसरे कन्वर्ट करनी पड़ती है, तो वो पुंडरी जो है वो हरियाणा में आ गई। पहले राजस्थान के क्षेत्र में थी, राइट, वहाँ से निकासी हुई और धीरे धीरे जो कहाँ कैसे आई वो तो इस चीज़ का मैं वर्णन नहीं दे सकता, उस व्याख्या का मुझे मालूम नहीं, ठीक है। ये फिलहाल ही जड़ोदा पांडा गाँव में कभी जैसे मैंने यहाँ पे सुना है भाट की पत्ती जो पुरोहित होते हैं खानदानी गाँव ग्रामवासियों के, अब भाट बोल देते हैं उनको, पुरोहित होते हैं, तो उनके पोते हैं। ये जो है रोडों का काम होता था, रोड बिरादरी का, उनकी आज भी यहाँ कुछ निशानी है, पूजनीय स्थान है, सती बोल देते हैं, माता बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बाबा जी हर तीन भाई थे, घूमते फिरते कैसे है किस अवस्था में, मुगल शासक था उस टाइम पे, ये यहाँ पर आए थे। बाबा नारायण दास जी उस टाइम इनका नारायण दास नहीं था, परिवार के नाम था नारायण सिंह नाम था, बड़ों का नाम मुझे मालूम नहीं है, इतनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं। तो ये जो छोटे थे, दो बड़े भाई थे, ये बचपन से ही पूजा पाठ कोई ऐसी परमात्मा की ईश्वर की तरंगे इनके अंदर थी, कोई तेज था अलग ही पूर्वार्ध का, तो ये पूजा पाठ में ज़्यादा विलीन रहते थे। बड़े भाई थे, किसान थे, मेहनती थे, बहुत ही बलशाली थे। उन्होंने यहाँ मुगलों का जो दुष्ट आत्मा के वैसे थे प्राणी थे उनके साथ में संघार किया, जो ऐसा है लोग थे उनकी सहायता करी, मतलब संघर्ष करा, तो कुछ यहाँ के लोग जो रोड बिरादरी के छोड़ छोड़ के जा रहे थे गाँव को, इन्होंने यहाँ पर जब सहायता करी तो वे नहीं रुके, इन्होंने वहाँ से इंसानों को ला के बसाया, त्यागी बिरादरी को, बाकी सभी समाज को, ब्राह्मण बाण यहाँ पहले जैसे जैसे गाँव बसते थे सभी ले जाते थे, भाई किसी को खाती की जरूरत है बाड़ी की, बाड़ी का किसी नाई की जरूरत है नाई को, ब्राह्मण की जरूरत है ब्राह्मण को, तो सभी बसाई कुल में लगा। उस हिसाब से तो ये कुल देवता हो गए, कोई अगर किसी चीज़ का निर्माण करता है तो कुल देवता होता है, निर्माण करता कुल देवता, निर्माण उसे बोलते हैं किसी चीज़ की बनाई बनाई को आगे बढ़ाना, ये निर्माण करता है। इन्होंने निर्माण करा बिरादरियों का, यहाँ बसाया ये, ऐसे धीरे धीरे 12 गाँव बस गए, जनसंख्या ज़्यादा होगी 12 गाँव बसे, 5 गाँव यहाँ पे, 8 गाँव चरतावड़ के पास में, ठीक है। ये बचपन से ऐसे हिसाब थे, जो इनका हिसाब देखा इनके बड़े भाइयों ने कि यहाँ तो कोई संत रूप है, तो ये धीरे 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 संत बिरादरी में कैसे गई मैं उस चीज़ का व्याख्यान भी नहीं कर सकता, क्यों मुझे मालूम नहीं। कुल मिला के ये है कि फिर भक्ति भाव में चले गए, संत समाज में चले गए, ये पहुँच गए उदासीन संप्रदा में, जो गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र हुए सिरचंद, गुरु नानक देव जी के दो पुत्र हुए बड़ा बड़ा सिरचंद, छोटे लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद गृहस्थी थे, सिरचंद थे जन्मजात से सन्यासी, कुछ लोग कहते हैं गोरख ने ही गुरु नानक देव जी के यहाँ जन्म लिया था, उनके शिष्य के शिष्य है, हमारे अखाड़े के हिसाब से, गांव के हिसाब से इनका देवता है, हमारे संप्रदा के हिसाब से हमारे आचार्य है संप्रदा में, श्री उदासीन संप्रदा में, ठीक है जी। इन्होंने वहाँ से शिक्षा दीक्षा जो हमारी परंपरा ही होते हैं भेग भगवान की, संत महात्मा समाज की, पूरी करी और उन्होंने तपस्या के बल पर नाम पाया। इन्होंने इतनी तरंगे इतनी तेजस प्राप्त कर लिया था, उसी समय लोगों को हरिद्वार में मिलते थे और यहाँ पर मिलते थे। यह 100 बीघे की बनी थी, बाकी 300 बीघे की जमीन थी इनकी, इनके जो दो बड़े भाई थे उनका परिवार है गाँव में, वो कौन सा परिवार है गाँव के लोग बताएंगे, हमारे आदित्य त्यागी जी है, अध्यक्ष जी है, उपाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी है, तो वो तो ये बताएंगे परिवार सभी इनका है। वैसे उनका कोई अंश था, वे शादी नहीं की, बाबा जी ने शादी नहीं की थी, जन्म से ही वो पहुँच गए थे। उन्होंने इतनी तपस्या करी, मतलब उनका लोगों को दर्शन यहाँ भी मिलता था, ये उन्हीं के नाम की जगह थी जहाँ वो समाधि, आप वहाँ से घूम कर दर्शन करके आए होंगे, वहाँ वहीं भी छोटी समाधि थी, धीरे धीरे विस्तार होता चलेगा, ये गांव भी छोटा था बनी थी, ये इसमें
बांस के पेड़ ज़्यादा थे। अभी पीछे से 6 साल पहले बांसों पर चावल भी आते, 100 साल में बांसों पर एक बार चावल आता है, जैसे साइंस में लिखा गया 100 साल में एक बार चावल आता है, फिर वो डैमेज हो जाता है, डेथ हो जाता है, नए सिरे से दोबारा पौधा उगता है उसका, जैसे बीज जड़ जाते हैं। तो बाबा जी ने भक्ति भाव में बहुत नाम पाया, और जो भी लोग श्रद्धा विश्वास उपासना के हिसाब से अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आता था, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती थी। ऐसे धीरे 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 परंपरा जागृति होती चली गई, दूर दूर विख्यात होते चले गए, लोग आते गए, जुड़ते गए, समूह मेला आज जन समूह विशाल प्रोग्राम हो रहा है, धीरे धीरे आपके सामने है ये, ऐसे लोगों की कामना हो रही है बाबा जी किस रूप में कैसे लोगों का कल्याण कर रहे, गांव समाज का, नगर खेड़ का, अदर स्टेट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, दूर दूर से लोग आते हैं, संत महात्मा भी आते हैं। अब की बार थोड़ा नहीं पा पाए क्योंकि गुरु पूर्णिमा 13-12 जुलाई की है, तो हर कोई अपने डेरे पे व्यस्त है, इसलिए संत महात्मा ज़्यादा नहीं आए, और ना अदर स्टेट संत महात्मा बहुत आते हैं। और वहाँ से तो जब से परंपरा चली आ रही है, विशाल भंडारा होता है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो दोनों रविवार पड़ेंगे, पहले में छोटा भंडारा, दूसरे में बड़ा भंडारा होता है, बड़ा विशाल, वो शुरू से ही परंपरा चली आ रही है इनके बड़े बुजुर्गों से। ऐसी दाल चावल और खीर का भोग लगता है, वो शुरू से कन्या पूजन होता है, संत ब्राह्मणों का भोजन होता है, फिर सभी भक्तों का प्रसाद वितरण शुरू हो जाता है, ऐसी परंपरा शुरू से चली आ रही। और बताइए आप। अच्छा, जैसे मान्यता है, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे अब मैं जब से मुझे भी जाएगा 14 साल हो गए यहाँ पे, अभी हो जाएंगे 10 जनवरी को, तो अदर स्टेट आते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, और काफ़ी, ये तो 4-5 स्टेट तो मैं बता दूंगा, क्यों मेरे पास में बैठते हैं, आते हैं तो मिलते हैं, बातचीत होती है, पूछता हूँ, तो कभी कभी अदर अदर स्टेट से आते हैं, गुजरात से भी आते हैं महात्मा लोग, उनके साथ सुंदर साथ भगत भी आते हैं, तो काफ़ी दूर दूर से विख्यात है बाबा जी का परंपरा है, मतलब इनकी इनको, तो ऐसे समूह जुड़ता चलेगा और काफ़ी मतलब विख्यात होते चलेगे, आदमी का जन समूह बढ़ता चलेगा। अब पिछले साल अभी काफ़ी कोरोना काल होने के बावजूद भी फिर भी सूचना नहीं, अधिवेशन नहीं था, शासनादेश नहीं था, फिर भी लोग इतना मतलब भाव थे कि कोरोना काल में भी आए, और उनका अनुशासन गाइडलाइन के जरिए हमने किया, शासनादेश के अनुसार ही हमने गाइडलाइन के जरिए उनकी भी व्यवस्था की, किसी प्रकार कोई भंग नहीं। सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का द्वेष भावना, एक दूसरे निंदा निंद्रा कोई नहीं है, धर्म जाति कुछ नहीं, सर्वधर्म जाति नहीं, सर्वधर्म। यहाँ मोमडन मुसलमान भाइयों का भी मतलब बहुत ही प्रेम भाव है बाबा की समाधि से, सभी आते हैं यहाँ पे, अपनी सेवा करते हैं, और हर कोई बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जो हमारे यहाँ की मैनेजमेंट है, पिछले 27-30 साल से मैनेजमेंट बनी हुई है, उससे पहले महात्मा लोग थे अपनी मर्जी के, आए रे गए रे, गाँव समाज में भिक्षा करी, अपना जो परंपराएं होती हैं, भोजन बनाया, दीक्षा करी, वो ऐसा होता था। पिछले 27 साल से कुछ ऐसी आपस में विचारधारा बनी कि यहाँ से लोग उद्धार करते हैं भाई, दूर दूर से संत समाज आते हैं, इसका थोड़ा जीर्णोद्वार का, क्योंकि किसी भी मैनेजमेंट के बिना कोई कार्य उद्धार नहीं होता। मैनेजमेंट बनी, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा पैसा करा, यहाँ पे आज आप देख रहे हो ये प्रोग्रेस हो रही, मैनेजमेंट में बहुत बड़ा प्यार भाव है आपस में, पारदर्शिता है, सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता, किसी के प्रति किसी मतलब एक दूसरे की बातों की कोई काट विकट नहीं है आपस में, एक दूसरे की पारदर्शिता, ये पारदर्शिता होने के कारण इतनी उन्नति और तरक्की हो रही है, ये हर बच्चा कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है, आपके सामने है सब यहाँ पे। और बताइए, ये थे हमारे साथ इस जूड़ वाले आश्रम के महंत, जिन्होंने यहाँ की परंपराओं के बारे में बताया और यहाँ के जो मान्यता है उसके बारे में बताया। हलचल इंडिया के लिए सूर्यकांत त्यागी के साथ हिमांशु पाठक। यहाँ लोगों का विश्वास है जी, आस्था जुड़ी हुई है पहले से ही, जिसने जो अपना मन में सोचता है या मांगता है वो पूरी होती होगी तभी तो, इसलिए दिन प्रतिदिन यहाँ जन आस्था बढ़ती जा रही है। काफ़ी लोग आते हैं, आप 40-50 हज़ार लोग आते हैं। कितने वर्षों से 15 चला रहे हैं आप? भाई 27 वर्ष तो हमें कमेटी को ही होगी, अब की बार हमारा 27वां भंडारा है, पहले हमारे पुरखों से चली आ रही है, तो हजारों साल से चल रहा है। नहीं, पुलिस तो आती है लेकिन बैठी रहती है, उनका तो अपना काम है भाई शांति व्यवस्था बना के रखना, पर हमें कभी आवश्यकता नहीं पड़ी पुलिस की, हमारे बच्चे ही इतने हैं, पूरे गांव की आस्था है ना, कोई पार्टी विशेष की तो है नहीं या समुदाय विशेष की नहीं है, पूरे गांव की आस्था है। जब सबके बच्चे यही हैं तो झगड़े का तो कोई आसार ही नहीं है, कुछ नहीं, सब सेवा में लग रहे। अब देखो आप इतने बड़े, उसका प्रांगण है कितना बड़ा है, उसकी व्यवस्था है, कितने आदमी होगी, भोजन की भी, ट्रैफिक की भी, कम से कम 300 बच्चे हमारे लग रहे हुए इसमें सब, 6 घंटे प्लेट धोका है सुबह रात का खड़ा ट्रैफिक पे लड़का, तो फिर झगड़े का तो कोई मतलब ही नहीं। पुलिस आवा है, पुलिस वाले बैठे बेचारे चले जाए अपनी ड्यूटी पूरी कर गए। जी आपका नाम? प्रमोद त्यागी जी। प्रमोद जी बताइए, जिस तरह यहाँ पर हर साल भंडारे होते हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की मान्यता यह है जी, हमारे पूर्वज है जी, जब महाराज जी ने बताया कुल देवता, और उसके बावजूद ही हमारे
जो गांव है जड़ौदा पांडा, इनके पांच माजरे चार माजरे गांव के पास में ही है जी, और सात माजरे चरथावल के आसपास में, विश्वखेड़ा, चौकड़ा, चरथावल, अम्बू, मोमलीपुर, खुसरोपुर। तो ये सब इन बाबा जी का परिवार ही है, क्योंकि इनकी शादी तो हो नहीं रही थी, इनके भाइयों की संतान है जो ये गाँव है। और उसी परंपरा के अनुसार, उसी मान्यता के अनुसार, हमारे पाँच बारह के बारह गांव इनका साल भर में एक वर्ष में भंडारा करते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। बाकी जो किसी मान मनोबल है, जो उसे मांगे पूरी हो, वह मन्नत पूरी होती है, उनके लिए प्रसाद वितरण करने जाएगा यहाँ से और भंडारे प्रसाद लेंगे। हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।